बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू स्मेरा एड्स जी। ये हम जा रही हैं सिस्टर्स, कज़न की बेटी की शादी थी, तो रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा, जितनी हम जल्दी जा रहे थे कि जाएं उतना हमें लेट हो गया। सगियापुर पे हो रहा है वहाँ पे काम कंस्ट्रक्शन का, तो एक ही रोड उन्होंने खोला हुआ है, दूसरी तरफ काम हो रहा था सड़क के। ये देखिए कंस्ट्रक्शन का खूब काम उधर जा रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर को जहाँ रास्ता मिला उसने खूब दबा के उसने स्पीड पकड़ी के टाइम पे हम लोग पहुँच जाए, लेकिन पहुँच गए थे हम। जाते जाते काफी अंधेरा हो गया था क्योंकि हमें लाहौर से जरावाला रोड पे जाना था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे जाने से पहले दूल्हा शुल्हा बग्घिया वगैरह यानी कि उतर चुके हुए थे, यानी कि अभी उतर रहे थे। ये दो बग्घियां थी, एक में लड़के की फैमिली और उसके फ्रेंड थे। हाल माशाल्लाह बहुत प्यारा था। ये भाई और भाई का बड़ा बेटा अजान दोनों आ रहे थे देख के मिलने, भाभी बच्चे बाकी सारे इधर थे। ये उमेश लाइबा की बात ये है कि जब रास्ता रोका गया था तो एक तरफ कजन की वाइफ थी जो पैसे लेने वाली थी और दूसरी तरफ कजन था जो देने वाला था पैसे। आपस में दोनों मियां बीवी की बहस हो रही थी पैसों पे। ये दूल्हे की तीनों बहनें हैं, यहाँ पे वेटर अपने पैसे मांग रहा था दुल्हन की दूल्हे की बहनों से। उसके बाद खाने के आगे पीछे थोड़ी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत अच्छा था, कोरमा था, बिरयानी थी, सैलड था, आइसक्रीम थी, वो सेमन अप सारा कुछ खा पी के बच्चे फारग हो के अपना खेलना कूदना शुरू हो गए। यहाँ पे दूल्हा माशाल्लाह प्यारा था, लेकिन दूल्हन माशाल्लाह उससे भी ज़्यादा प्यारी थी। अल्लाह पाक किस्मत भी उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी करे। दूल्हा और दुल्हन दोनों कजन हैं आपस में, मामू पप्पो के। उसके बाद जी हमारा वापसी का सफर था, कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी उस रोड से बस निकल आए। अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम लोग घर वापस आए। ये रावी का पुल दाता दरबार के पास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।